उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड के गवाह दलबाग सिंह की कार पर हमला किया गया। दलबाग सिंह भारतीय किसान यूनियन की जिला अध्यक्ष हैं। हालांकि इस हमले में उनकी कार ही क्षतिग्रस्त हुई, वह बाल बाल बच गए। दलबाग सिंह जब अलीगंज से अपने घर लौट रहे थे, उस वक्त उन पर यह हमला हुआ। जानकारी के मुताबिक यह गोला कोतवाली के अलीगंज की घटना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखीमपुर खीरी कांड के गवाह दलबाग सिंह को सुरक्षा के लिए एक गनर भी दिया गया, लेकिन घटना के वक्त गनर दलबाग सिंह के साथ नहीं था, जिस वजह से उसे सस्पेंड भी कर दिया है। अपने ऊपर हुए हमले पर दलबाग सिंह ने बताया कि रात करीब 9:30 बजे हम जा रहे थे, तभी पीछे से बाइक सवार दो लोग आए और उन्होंने पहला फायर कार के टायर पर किया। उसके बाद कार रोक ली गई, उन्होंने खिड़की खोलने का प्रयास किया, लेकिन मैंने शीशा नहीं खोला और नीचे नहीं किया, सीट फोल्ड कर लेट गया। वह दोनों आरोपी फायरिंग कर चले गए। दलबाग सिंह ने यह भी बताया कि उनके गनर का बच्चा बीमार था, जिस वजह से घटना के वक्त गनर उनके साथ नहीं थे। बाद में वह वापस लौट आए थे। रात में स्थानीय एसपी और कलेक्टर से भी दलबाग सिंह की बात हो गई। इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि पहले मंत्री टेनी के बेटे ने किसानों को अपनी थार से खुचल कर मार डाला, अब उसी तिकुनिया थार कांड में मुख्य गवाह दलबाग सिंह पर जानलेवा हमला। टैनी के मंत्री रहते मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी मंत्री पुत्र को सजा और पीड़ित को न्याय संभव नहीं। मंत्री टैनी को बर्खास्त करे सरकार। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी कांड में मुख्य आरोपी राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी का बेटा है।